है, जो सपना है वो तो अपना है ही, पर मैं चोपर से जैसे ही उतरा और लोगों से मिलता मिलता है, किसी से हाथ मिलाया, कहीं रुक गया, कहीं चाय पी ली, मैंने लोगों की आंखें पढ़ी है। हवा का रुख बदलने वाला है, याद रख लेना। गुना लोकसभा क्षेत्र में चुनावी दौर के चलते दिनों दिन चुनावी सभाएं हो रही हैं। भाजपा और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता मैदान में, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, जहां एक ओर भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा की, भाजपा के दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे राव यादवेंद्र सिंह यादव के लिए जनता का आशीर्वाद देने आए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जनसभा को संबोधित किया। सवाल यह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, प्रहलाद पटेल जी, शिवराज सिंह चौहान जी, मोहन यादव जी, उमा भारती, एक भी चुनाव में नहीं गए उमा भारती, नहीं यही आई है सिर्फ, याद रखो, 12-12, 14-14 मंत्री, महाराज, कुंवर, महारानी, सब लग गए, कोई सब्जी बना रहा है, कोई चूल्हे के पास खाना बना रहा है, कोई जूते पहन के चूल्हे के पास है, कोई जूते उतार के चूल्हे के पास है। उन्होंने भाजपा और भाजपा के प्रत्याशी सिंधिया के खिलाफ निशाना साधते हुए मोदी सरकार पर ये आरोप लगाया कि वो देश को गुमराह कर रहे हैं। आइए जानते हैं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्या कहा। रेडियस मीडिया के लिए अशोकनगर से शिवम तिवारी की रिपोर्ट। सब बातें पता है या नहीं है? ना, ये क्यों है? क्योंकि ये मैं भाषण नहीं देना चाहता, आप लोगों को सिर्फ बताना चाहता हूं। राव यादवेंद्र सिंह जी का, मैं ये मेरे हीरो हो गए, मैं इनका एक तरह से फॉलोअर हो गया। क्यों हो गया? मुझे भरोसा नहीं था कि ज्योतिराय सिंधिया जी के सामने इतनी बहादुरी से, ये जिस दिन पहली बार आए वो कहा भैया आप किसी और को चुनाव लड़ाओ तो भी मंजूर, और मुझे अवसर दोगे तो तख्ता पलट के बताऊंगा मैं। और पूरे टाइम यह एहसास रहा कि अभी बीजेपी का काम चल रहा है लंबा चौड़ा, गड्ढे के गड्ढे में कुछ बोल दूंगा तो एफआईआर कर देंगे, रोज करते हैं मेरे खिलाफ। तो अति धन बल, पद बल, सरकार बल, सबका प्रभाव डाला है, सबने डाला है, सबने समझा है, पर जैसे पिताजी थे वैसा बेटा है। इनके पिताजी के देखा नहीं, मैं कभी मिला नहीं, देशराज जी, स्वर्गीय देशराज जी यादव जी के, पर खूब सुना कि लोगों के हित और अधिकार से कोई के लिए कोई समझौता नहीं करते थे, यही उनको भी दर्राते थे, दबाते थे, चमकाते थे, 10 तरह के विधानसभा में सवाल उठाते थे, पूरे परिवार को यातना देते थे, उन यातनाओं का बदला लेना है कि नहीं लेना है। बात इतनी है कि मैंने कहा मैं भाषण नहीं करूंगा, बातें करूंगा। अरे आदरणीय ज्योतिराज सिंधिया जी राज्यसभा से सांसद थे, लोकसभा से सांसद और राज्यसभा से सांसद के अधिकारों में कोई अंतर नहीं था। अभी 4 साल बचे हैं, क्या गलती सी की केपी यादव जी ने, बीजेपी के तरफ रहने पर क्या गलती थी, क्या गलती थी? अमित शाह जी कह गए मैं ध्यान रखूंगा, टिकट में तो ध्यान रखा नहीं और अब ध्यान रखेंगे। अरे आप ये बताओ कि जब आप लोकसभा राज्यसभा से मंत्री थे तो एक दूसरा आपके परिवार का लोकसभा से सांसद चला जाता, गरीब आदमी, स्थानीय आदमी, तो ज्योतिराज सिंधिया छोटे होते क्या? छोटे होते क्या? बड़प्पन दिखता, बड़प्पन हो तो दिखे ना। अरे आप इतने साल से यह सांसद है, इसी बार डिफीट खाई थी आपने, आपने उस डिफीट के चक्कर में प्रदेश का भविष्य बिगाड़ दिया, सरकार गिरा दी। आपने कहा था मैं किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ इसलिए मैंने सरकार गिरा दी, मुझे कहा रोड पे आ जाओ तो मैं रोड पे आ गया। आपने कहा था अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षक और इसके लिए रोड पे आऊंगा, क्या अतिथि शिक्षक हो गए, परमानेंट हो गए, अतिथि विद्वान हो गए? 70,000 अतिथि शिक्षक निकाल दिए सिंधिया जी, हलक से एक शब्द तो बोलो, इसी सरकार ने 4 दिन पहले। मैं जितने अतिथि शिक्षक अतिथि विद्वान पूरे प्रदेश में है, अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो लग जाओ, कांग्रेस पार्टी को जिताओ। ये मील का पत्थर है जो अब की बार 29 बार 19 भी नहीं हो रही है, 29 तो मजदूर की बात है, याद रखना। अरे सिंधिया जी आप अगर इतने साल से यहाँ विकास, सिंधिया जी का एक मूल वचन है, मेरी राजनीति विकास है,
मैं विकास से कोई समझौता नहीं करता और विकास से अलावा सिंधिया परिवार का कोई नाता नहीं है। मुझे छोटी और ऊंची बात पसंद नहीं, सिर्फ विकास ही पसंद है। अच्छा कॉलेज होगा अशोक नगर में, अच्छा स्कूल होगा, अरे अच्छा हॉस्पिटल होगा, पूरे संसदीय क्षेत्र में एक भी उद्योग लगा, अशोक नगर से ट्रेन तो इंदौर जाती होगी, जाती थी बंद होगी। अरे आपने कहा कि विकास तो मेरा नाता है, तो पास में राजगढ़ है, वहां पे 25 उद्योग होगा छोटे बड़े, यहां क्यों नहीं है? मेरे पास 5 बजे का समय है, थोड़ा छोटा कर रहा। पर अभी 3 दिन पहले मैंने देखा एक वीडियो, एक वो योद्धा था, कहां का था मुझे नहीं पता, वो कहता है सिंधिया जी आपके आदमियों ने मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया, मुझे 1 करोड़ रुपए देना पड़े। उन्होंने कहा क्या मैं था क्या, मेरे को तो आप लोगों ने मना कर दिया था, 5 साल तो और कोई था, और कौन कौन था? आपकी सरकार थी, आपका प्रदेश की सरकार थी, आपकी देश की सरकार थी, आप राज्यसभा के मेंबर थे, आप प्रदेश की देश की सरकार के मंत्री थे, इसके अलावा कोई अमेरिका का पद लाना था क्या आपको बचाने के लिए? अरे उस बच्चे के लिए जरा तालियां बजा जिसने उतनी भाजपा से बात की। अरे भूमाफिया पनपे क्यों, और वो भूमाफिया आपके आसपास क्यों, वो अभी आपका प्रचार क्यों कर रहे हैं? आप भूमाफिया से आगे बचा देंगे तो फिर अभी तक जो यातना है भोगी उसके लिए सजा किसको? आप ही को मिलेगी ना, बीजेपी को ही मिलेगी ना, आपके लोगों को ही मिलेगी, सही है कि गलत? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि रोजगार की जहां तक बात है, महंगाई की जहां तक बात है, किसान की जहां तक बात है, रोज में हम सब बोलते हैं।